चंद्र जी, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, लोगों को क्या कहना चाहेंगे, पशु पक्षियों का किस तरह से ध्यान रखें? वाकई गर्मी का जो लेवल है, गर्मी जो जिस हिसाब से बढ़ रही है पिछले 10-15 दिनों से, मुंबई में 38, 40, 41, 37 के ऊपर 40 तक ही टच कर गया है। तो इतनी गर्मी के अंदर जो हमको, एक इंसान को, इंसानों को तकलीफ़ हो रही है, प्यास लगती है, परेशानी होती है, आदमी इतना तक कि कई आदमी बेचारे बीमार पड़ जाते हैं, डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी की वजह से पानी नहीं लोग पीते या पानी नहीं मिलता, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको, तो इंसानों को तकलीफ़ तो आ ही रही है। लेकिन जो पशु हैं, बर्ड्स हैं, पशु पंछी जितने इस वातावरण में हमारे मुंबई शहर में हमको दिखते हैं, जिनकी ज़ुबान नहीं है, ज़ुबान से वो बोल नहीं सकते, अपनी तकलीफ़, अपनी पीड़ा, अपनी प्यास का इजहार कर नहीं सकते, तो मैं समझता हूँ हर नागरिक को, खास करके मुंबई की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ मुंबई से बात कर रहे हैं, मुंबई में हैं, करना तो पूरे देश में चाहिए। मैं सभी को, देशवासियों को ही हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि हम क्यों नहीं इन पशु पंछियों के लिए कोई ऐसा कोई स्टेप लें, ऐसा कोई काम करें, जैसे बोल्स में आता है जो कटोरे टाइप आते हैं, उसमें कोई पानी रख दें, अपने घरों के बाहर बाहर उसको लटका देवे, लगा देवे, फिक्स कर देवे, या जो ग्राउंड फ्लोर पे है वहाँ पे छोटा कोई बर्तन में ऐसा रख के उसमें कोई, इवन जो कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, जो उनको भी प्यास लगती है, जो स्ट्रे डॉग्स हैं या और भी जो जानवर जैसे रहते हैं, तो उनको खास करके ये पशु पंछियों का तो है ही है, जो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, जो सड़क पे रहती हैं, पानी की तड़प होती है उनको, पानी तो हमको पता ही है कितना ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, इंसानों के लिए, और वैसे ही एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए भी है। तो मैं ये सभी देशवासियों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितना हो सके आप ये देखो, ये भी एक, मेरे हिसाब से ये भी एक परमात्मा की पूजा ही है, परमात्मा की सेवा ही है, अल्लाह ताला की, भगवान की, वाहिगुरु की, जीसस क्राइस्ट की एक सेवा है। अगर हम इन पशु पंछियों को, उनको हम उनको पानी पिला सकते हैं, पानी पिलाएंगे या उनकी सेवा करेंगे, तो मैं समझता हूँ परमात्मा, वाहिगुरु, अल्लाह ताला हमारे पे खुश होगा, और वो भी ये इस चीज़ को देख के अपने, हमारे को आशीर्वाद देगा, दुआएं देगा। तो ये मैं एक छोटी सी बात और कहूँगा कि हमारा जो, हमारी फैमिली का जो एक हमने ट्रस्ट फाउंडेशन बनाया है, सरदार सज्जन सिंह आहूजा मेमोरियल ट्रस्ट जो हमने बनाया है, पिछले अक्टूबर में हमने 2 एम्बुलेंसेज जानवरों के लिए हमने, हमारी फैमिली ने डोनेट किया है, जो लेटेस्ट एम्बुलेंसेज हैं विद ऑल इक्विपमेंट, वो हमने डोनेट की थी, उसकी सेवा चालू है। तो वो जानवरों की सेवा कर रही है, जो जानवर बोल नहीं सकते, या जैसे पंछी हैं, या सड़क पे और जो डॉग्स हैं, इवन घोड़ों घोड़े हैं, गाय हैं, ऐसे इनकी सेवा के लिए हमने दो, हमारे फैमिली ने 2 एम्बुलेंस डोनेट किए हैं, उसका मैं नंबर आपको दे दूंगा। और उनके साथ में एक बहना फाउंडेशन है जो हमारे साथ जुड़ी है, उन्होंने पशु पंछियों के लिए एक बर्तन, जो बोल्स होते हैं या कोई कटोरे होते हैं, उसका भी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का एक सेवा उन्होंने ली है, और आपको मैं नंबर देता हूँ, जो भी दर्शक, जो भी नागरिक वो सेवा उनसे लेना चाहे या वो सेवा करनी चाहे पशु पंछियों के लिए, वो आप वहाँ से उनको फ़ोन करके, संपर्क करके वो बॉल्स आप मंगा सकते हैं, कटोरे मंगा सकते हैं, बर्तन हैं जो कि बड़े अच्छे तरीके से आप घर के बाहर लगा सकते हैं। तो मैं आपको वो नंबर देता हूँ जो एम्बुलेंस का भी है, जहाँ जानवरों की फ्री सेवा की जाती है, उनका नाम जो काम देखते हैं हमारे मिस्टर पिंटू करके हैं, मिस्टर पिंटू, उनका नंबर है 9967935100। मैं रिपीट करता हूँ, 9967935100। आप इस फोन, इस नंबर पे संपर्क करके, मिस्टर पिंटू से संपर्क करके, जो भी आपको एम्बुलेंस की सेवा चाहिए वो मिल सकती है, मिल जाएगी, और पशु पंछियों के लिए जो आपको बर्तन चाहिए वो भी आपको फ्री वहाँ से बहना फाउंडेशन की तरफ से जो दिया जा रहा है, वो आपको सेवा सेवा जो है वो आप उसकी आप उपलब्ध कर सकते हैं। तो मैं फिर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के आपको विनती करता हूँ कि आप इनको, इन जानवरों को जो बोल नहीं सकते, जो अपना, अपने मन का, अपने प्यास का, अपने दर्द का इजहार नहीं कर सकते, ये सेवा हमने करनी है, तो आप ये नंबर जो मैंने बताया उस पर आप संपर्क करें, और अपनी तरफ से भी जो भी हो सके आप अपना भी करें, और भी दोस्त यार मित्र जो आपके रिश्तेदार हैं
जो आपके सगे संबंधी हैं, आपके नेबर्स हैं, उनको भी ये चीज़ समझा के उनको भी इंस्पायर करें, उनको भी इसकी अच्छाई बताएं, और इसी प्रकार आप उनकी भी सेवा करेंगे, देश की भी सेवा करेंगे, और परमात्मा की आप जो है वो एक प्रार्थना के रूप में है, उनकी परमात्मा को खुश करने का रिश्ता है, एक तरीका है, ये भी जरिया है, और अल्लाह ताला को, भगवान को, वाहिगुरु को, गुरु नानक साहब को खुश करने का तरीका है। तो मैं समझता हूँ कि आप इस चीज़ का पूरा लाभ उठाएंगे और ये अपने मन में इसको, इस धारणा को, इस प्यार को पैदा करके और पशु पंछियों के, जानवरों के लिए आप ये पानी की सुविधा का ज़रूर इसका एक सेवा करें। और मैं समझता हूँ, तो बाकी नंबर जो मैंने आपको दिए हैं उस पर आप संपर्क करें, मेरे लायक कोई सेवा हो आप बता सकते हैं, इस नंबर पे आप फ़ोन करेंगे, मेरा भी संपर्क हो जाएगा, आप कोई सेवा चाहें मेरी तरफ से, मेरी सिस्टर है डॉक्टर सतनाम आहूजा, वो भी बहुत सेवा करती है, आप इसी नंबर पे आप फ़ोन करके उनका नंबर भी ले सकते हैं और हमारे लायक कोई सेवा आप करो। लेकिन फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पशु पंछी जानवर जो बोल नहीं सकते, जो बाकी अपना जो दर्द है, फिर से मैं करता हूँ, इजहार नहीं कर सकते, तो उनकी सेवा में लगें। ये मेरी आपसे सबसे हाथ जोड़ के एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इस सेवा में अपना हिस्सा डालें और भगवान की, वाहेगुरु की, अल्लाह का आशीर्वाद, दुआएं, उनकी ब्लेसिंग्स आप लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।